दोस्तों आज हम लोग जिस प्लान के रिगार्डिंग बात करेंगे उसका साइज है 20 फीट इंटू 20 फीट। ये 45 गज में बना हुआ है। इसका स्क्वायर फीट है 400 स्क्वायर फीट और इसका बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा अप्रोक्स 4 लाख पर यूनिट। फ्रंट में रोड है, फ्रंट का डायमेंशन हो गया 20 फीट, इस साइड का डायमेंशन 20 फीट और इस साइड का डायमेंशन 20 फीट, इस साइड का भी डायमेंशन 20 फीट। ये टोटल ग्राउंड टू टॉप फ्लोर का प्लान है। दोस्तों हम लोग इसमें सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का डायमेंशन करेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर का डायमेंशन करेंगे। इसलिए दोस्तों आप अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राउंड फ्लोर के प्लान से। ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है। इस प्लान में यहाँ पर मेन गेट दिया गया है, ये फ्रंट साइड में रोड है, ये जो स्टेयर है इस स्टेयर का फर्स्ट लैंडिंग जो है 8 फीट हाइट पे होगा और इस लैंडिंग के नीचे में इस जगह पे डोर लगा हुआ है जो मेन गेट है। ये स्टेयर एरिया है जिसका डायमेंशन है 12 फीट 3 इंच इंटू 5 फीट 6 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 12 फीट 3 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 5 फीट 6 इंच। यहाँ पर एक विंडो लगा हुआ है और ये फ्लोर में अंदर जाने के लिए डोर है। इस स्टेयर एरिया से जब हम लोग अंदर आएंगे तो ये रूम आ जाएगा। सबसे पहले इसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 9 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट और इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट 4 इंच। यहाँ एक विंडो दिया गया है, इस साइड भी एक विंडो दिया गया है और ये डाइनिंग स्पेस में जाने के लिए डोर है। ये डाइनिंग स्पेस है जिसका डायमेंशन है 8 फीट 9 इंच इंटू 7 फीट 4 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 8 फीट 9 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 7 फीट 4 इंच। एक विंडो यहाँ पर दिया गया है, ये डोर है आगे रूम में जाने के लिए, ये बाथरूम में जाने के लिए डोर दिया गया है और ये किचन में जाने के लिए एक ओपन डोर दिया गया है। हम लोग बाथरूम की बात करें तो यहाँ मैंने एक कॉमन बाथरूम दिया है। ये कॉमन बाथरूम है जिसका डायमेंशन है 4 फीट इंटू 5 फीट 6 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 5 फीट 6 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 4 फीट। एक वेंटिलेशन यहाँ पर दिया गया है। इस बाथरूम में यहाँ टॉयलेट सीट दिया गया है, यहाँ वॉश बेसिन लगा हुआ है, यहाँ पर शावर पैनल लगा हुआ है। ये इस बाथरूम का डोर है। अब हम लोग किचन की बात करते हैं। हम लोग किचन की बात करें तो ये किचन है जिसका डायमेंशन है 5 फीट 6 इंच इंटू 4 फीट 4 इंच। यहाँ पे गैस स्टोव रखा हुआ है, यहाँ किचन सिंक लगा हुआ है। इस किचन में एक विंडो यहाँ पे दिया हुआ है, ये किचन का ओपन डोर है। हम लोग अब इस रूम में आते हैं। इस डाइनिंग स्पेस के साथ यहाँ मैंने एक रूम दिया है, ये रूम है जिसका डायमेंशन है 10 फीट इंटू 9 फीट 5 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 9 फीट 5 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 10 फीट। एक विंडो यहाँ पे दिया हुआ है और एक विंडो इस साइड में दिया हुआ है। ये इस रूम का डोर है। इस प्लान में सारे वॉल 5 इंच के दिए गए हैं, ये 5 इंच है। ये तो हुआ दोस्तों ग्राउंड फ्लोर का प्लान। आप इसको एक साथ पूरा देख लीजिए। इस प्लान में अब हम लोग दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। ये स्टेयर एरिया है जिसका डायमेंशन वैसे ही है नीचे की तरह 12 फीट 3 इंच इंटू 5 फीट 6 इंच। यहाँ पे एक विंडो लगा हुआ है। इस स्टेयर में यहाँ से अप होकर फर्स्ट लैंडिंग आ जाएगा 8 फीट हाइट पे, फिर और ऊपर जाकर फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग पहुँच जाएंगे। स्टेयर एरिया से जब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे अंदर आएंगे तो ये रूम आएगा, इसके बाद डाइनिंग स्पेस आएगा, फिर और इस साइड में आकर बालकोनी में आ जाएंगे। डोर से जब हम लोग बालकोनी में आएंगे तो ये बालकोनी आ जाएगा जिसका डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच इंटू 13 फीट 8 इंच। इस साइड का डायमेंशन है 13 फीट 8 इंच और इस साइड का डायमेंशन है 3 फीट 6 इंच। दोस्तों इस प्लान में इस बालकोनी के लिए फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक 3 फीट 6 इंच आगे की ओर निकाला हुआ है। ये 3 फीट 6 इंच जो है ये आगे की ओर निकाला हुआ है रोड साइड में। और दोस्तों इस लैंडिंग के लिए भी 3 फीट 6 इंच आगे की ओर निकाला हुआ है। ये स्टेयर का पहला लैंडिंग से स्टेयर के लिए टॉप फ्लोर तक चला जाएगा। यहाँ पे ये बालकोनी का डायमेंशन ऐड हो गया और दोस्तों बाकी सारा का डायमेंशन वैसे ही है। यहाँ डाइनिंग स्पेस है, यहाँ पर किचन है, यहाँ बाथरूम दिया गया है कॉमन बाथरूम, एक रूम यहाँ दिया गया है और एक रूम यहाँ दिया गया है। ये दोस्तों फर्स्ट फ्लोर टू टॉप फ्लोर का प्लान है। फर्स्ट फ्लोर का जो भी डायमेंशन है ये टॉप फ्लोर तक सेम रहेगा। ये था दोस्तों मेरा 20 फीट इंटू 20 फीट का हाउस प्लान।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।